कासिमाबाद थाना क्षेत्र के गेहुड़ी गांव में सड़क किनारे गुरुवार की सुबह एक युवक की हत्या कर फेंका गया शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मालूम हो कि सुबह करीब 6:30 बजे टहल रहे कुछ लोगों के कानों में मोबाइल बजने की आवाज़ सुनाई दी। लोगों ने नज़र दौड़ाई तो देखा कि सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा था। उसके गले पर चोट के निशान थे। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। कुछ ही देर में थानाध्यक्ष श्याम जी यादव मौके पर पहुंच गए। मोबाइल के माध्यम से घटना की सूचना परिजनों को दी गई। कुछ ही देर में परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए। मृतक का पहचान मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के वासुदेवपुर गांव निवासी भुवाल राजभर के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का मौका मुआयना करते हुए संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। परिजन शव रोक कर इस जिद पर अड़े रहे कि जब तक विधायक ओम प्रकाश राजभर नहीं आ जाएंगे तब तक आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। दिन में 12 बजे ओम प्रकाश राजभर के पहुंचने के बाद मृतक की पत्नी मीना देवी ने तहरीर दी। मृतक 2 वर्ष पहले सऊदी से आया था और घर पर ही रह रहा था। पत्नी ने बताया कि कल शाम करीब 4 बजे किसी का फ़ोन आया था, इसके बाद भुवाल घर से निकल गया था। सुबह पुलिस के माध्यम से उसकी हत्या की सूचना मिली। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि गले पर धारदार हथियार से वार कर भुवाल की हत्या की गई है। पूछताछ में परिजनों ने बताया कि कुछ लोगों को जमीन बेची थी, आशंका है कि इसी को लेकर भुवाल की हत्या की गई है। पत्नी ने कुछ लोगों का नाम बताया है। मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। शीघ्र ही हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। जनपद गाजीपुर के थाना कासिमाबाद अंतर्गत आज गेहुड़ी गांव के पास रोड पर प्रातः वासुदेवपुर थाना मोहम्मदाबाद के निवासी भुवाली राजभर, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, का शव मिला। इस शव के मिलने की सूचना पर मौके पे पुलिस गई। हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो पाया कि गर्दन पर धारदार हथियार से मार करके इनकी हत्या की गई है और वहाँ पे उनको फेंका गया है। इस संदर्भ में परिजनों को सूचना दी गई है। परिजन आए हैं, कुछ लोगों को जमीन के विवाद के संदर्भ में जमीन इन्होंने बेची थी और उसका पैसा अभी तक इनको मिला नहीं था। उस मोटिव को लेकर के कुछ लोगों को नामजद करके तहरीर दे रहे हैं। इस संदर्भ में थाना कासिमाबाद में हत्या का अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और शीघ्र ही इसमें इस घटना के पीछे जो लोग होंगे उनको गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।